दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। इस प्रकार की खबर सामने आ रही कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तिलक यादव को हटाया गया है और पूरे जिले की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। नाबालिग के दुष्कर्म के आरोप में घिरे तिलक यादव और बीएसपी के जिलाध्यक्ष दीपक अहरवार, दोनों ही जिलाध्यक्ष हटाने की मांग जनता कर रही थी और राजनीतिक लोग भी कर रहे थे, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन कहीं इस्तीफा इन्होंने नहीं दिया। अब अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की है और पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। लेकिन एक बात सामने आ रही है इसके साथ साथ कि बीएसपी जिलाध्यक्ष पर अभी कोई कार्रवाई नहीं और बीएसपी की कोई कार्यकारिणी भंग नहीं हुई है। तो क्या जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो और एक इस प्रकार के नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के मामले में उनके जिला अध्यक्ष आरोपी हों और अभी तक कोई कार्रवाई ना की जाए, तो कहीं ना कहीं बीएसपी की राजनीति पर सवाल उठते हैं। वो बीएसपी जिस प्रकार से महिलाओं के मुद्दे पर बोलती नजर आई है, कुछ मायावती बोलती हैं कि बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, योगी सरकार में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो बीएसपी कहीं ना कहीं पीछे नजर आती है सपा के पीछे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्रवाई की है और ललितपुर की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी है, लेकिन बीएसपी ने अभी तक नहीं की है। देखने वाली बात होगी कि बीएसपी कब तक अपने आरोपी जिलाध्यक्ष को उनके पद पर रखती है या फिर उन्हें अभी हटाती है, देखने वाली बात होगी। ललितपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजा है, कार्रवाई चल रही है आगे। नमस्कार।